दुनिया की पता नहीं किसी कंट्री में ऐसा होता नहीं होता। तो भाई हमेशा 1 साल का सेंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस 1 साल के अंदर जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है उसको कैरी किया जाता है, जिसकी नहीं होती है उसको 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 सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता। सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। सबसे पहले तो आज दो तीन टॉपिक हैं उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। आज का मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो जीत गई है और काफ़ी उन्होंने रन्स बनाए, 350 तकरीबन रन्स बना दिए। और मिचेल मार्श ने 96 रन्स किए, लबुशेन ने 72 किए, वार्नर ने 56 किए और इंडिया की तरफ से बुमराह ने जो 3 आउट किए। और इंडिया की बात कर लेते हैं, 286 पे आउट हो गए। शर्मा ने 81, कोहली ने 56, अय्यर ने 48 किए, जडेजा ने 35 और मैक्सवेल ने 4 आउट किए। इन दोनों टीम्स में आपने आज देखा है कि आखिरी मैच था ये इनका वर्ल्ड कप से पहले, और पहले दो मैचेस में आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी सीनियर प्लेयर्स नहीं खेले, इंडिया की तरफ से भी नहीं खेले, लेकिन आज दोनों ने अपने मेन प्लेयर्स खिलाए। लेकिन इंडिया की तरफ से आप देखें तो शुभमन गिल नहीं खेले, हार्दिक पांड्या नहीं खेले। सीनियर प्लेयर्स दोनों तरफ से खेलने का मकसद ये था कि वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस हो जाए, बहुत लंबा गैप ना हो जाए, क्योंकि दो मैच पहले नहीं खेले हुए थे दोनों की तो टीम की तरफ से। तो ये खेलने का आज मकसद था इनको खिलाने का कि फॉर्म में वापस आ जाए। अब देखिए, शुभमन गिल ने पहले दो मैच खेले, उन्होंने ठीक ठाक रन्स किए, उनको रेस्ट करवाया गया कि आखिरी मैच है आप रेस्ट करो वर्ल्ड कप से पहले, आप फ्रेश होके आना। शामी ने भी विकेट्स लिए, उनको भी आज जो है वो रेस्ट कराया गया। फिर उसके बाद आज देखें सिराज को भी खिलाया गया। तो ये मैंने जिस तरह बात की है कि ये रोटेशन पॉलिसी जो है इंडिया की बड़ी ज़बरदस्त है, ऑस्ट्रेलिया ने भी की, लेकिन जो हम पड़ोसी मुल्क हैं उस हिसाब से जो हम बात करते हैं वो जो रोटेशन पॉलिसी होती है वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। और सीरीज जो है इंडिया की टीम जीत गई और मैक्सवेल ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। देखना तो ये देखा ये जाता है कि लग ऐसा रहा है कि चेस करना आसान नहीं है। स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, फास्ट बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 350 रन्स का एक प्रेशर होता है, लेकिन मैं स्टिल अभी भी कह रहा हूँ कि इंडिया की जिस तरह टीम है मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप में इतना आसान नहीं होगा इस टीम को पकड़ना, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया से 3 मैचेस की सीरीज खेली, पहले 2 मैच ऑस्ट्रेलिया हारे। जाहिर बात, आप 2-3 मैचेस की सीरीज खेलते हो आप कहीं ना कहीं समझ जाते हैं जिसकी वजह से आप इंडिया की टीम आज का मैच हारी, लेकिन वर्ल्ड कप में हर टीम से एक एक मैच खेलना है। तो अगर इंडिया बहुत टॉप की चल रही है तो फिर हर टीम से वो खेलेगी, हर टीम को पकड़ना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी टीम को दूसरा मौका नहीं है कि इंडिया को कैसे हराए। तो मेरा ख्याल है कि ये टीम टफ होगी। उसके बाद जो सबसे मेन बात मैं करना चाहता हूँ वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट जो आज पाकिस्तान का अनाउंस हुआ है, उस सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का कोई सर पैर मुझे नहीं लगता, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं फिर वही बात बोलूंगा, इन नाइंसाफियां इस जगह पे भरी पड़ी हैं। और ये इंजमाम जैसा बंदा चीफ सेलेक्टर आ जाता है, जो पहले भी आता हुआ इमाम को उसने खिलाया विदाउट परफॉर्मेंस, इमाम को खिलाया उसका अपना बेटा विदाउट परफॉर्मेंस, लाहौर ब्लूज की तरफ से खेल रहा है, उसकी एक टके की परफॉर्मेंस नहीं थी डिस्ट्रिक्ट की, कोई 17वें नंबर पे है, उसका बेटा लाहौर ब्लूज की फर्स्ट क्लास की टीम में आया, बड़ी टीम में। अब ये सोचे कि उसके बेटे की अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर लाहौर के सिलेक्टर्स ने कैसे नाम डाला उसका? तो जाहिर सी बात है इंजमाम का प्रेशर होगा तभी डाला, वरना इतना तो कोई बच्चा नहीं है, इतनी तो आंखें बंद किसी की भी नहीं है कि यार किसी की परफॉर्मेंस नहीं है। अब यही बात है ना, किसी बच्चे के पीछे कोई बोलने वाला नहीं है या उसका कोई बाप क्रिकेटर नहीं है तो वो उसका नाम तो आएगा ही नहीं, ये तो जाहिर सी बात इंजमाम की वजह से उसका नाम आया। दूसरी बात ये कि आप ये देखो कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया हुआ है, ये पता नहीं 2-3 साल का अनाउंस किया, 3 साल का, दुनिया की पता नहीं किसी कंट्री में ऐसा होता नहीं होता। तो भाई हमेशा 1 साल का सेंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस 1 साल के अंदर जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है उसको कैरी किया जाता है, जिसकी नहीं होती है उसको 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 सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता, ठीक है, लेकिन होता 1 साल के है। ये हमारे जवान मेरे मुंह से सारे सुनते हैं 3 साल का, वो जाहिर बात अपने लोगों को सेफ करने के लिए 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया कि उनका महीना खर्चा चलता रहे, बेशक पाकिस्तान टीम में नहीं आए लेकिन नोट उनके बनते रहे। एक कैटेगरी में बाबर आजम, रिजवान शाहीन, ये तो बनते ही, इनके अलावा किसी की बनती। बी कैटेगरी में देखें आप इमाम उलक, ये जमाम जो चीफ सेलेक्टर आया है ये इसके बस में होता ना, इसके बस में तो ये इमाम का नाम नाइन ये इसमें सेंटर कॉन्ट्रैक्ट ए में भी डाल सकता था, इसके बस में होता। और ये जब तक रहेगा
जब तक ये सेंट्र रहा चीफ सिलेक्टर, ये अगले साल तक या उससे 2-3 साल जो भी है पता नहीं, होता नहीं होता, बना के चलेंगे क्या होता है वो, जाहिर बात है इन्हीं को फायदा देने के लिए सब कुछ किया है, तो वो उसके बस में होता थी, ये कैटेगरी आराम से दे चुका होता। उसके बाद शादाब की बात करते हैं, बी कैटेगरी है, टके की परफॉर्मेंस नहीं, ये हो गया और नवाज हो गए, वो भी बी कैटेगरी में, ठीक है। हमारे पाकिस्तान के दुनिया के ये टॉप के ऑलराउंडर्स बने, एक आध मैच में परफॉर्म करेंगे, 10 मैचेस में कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद फखर जमान को देखें बी कैटेगरी में, मतलब 15-16 मैचेस में कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, वो गेंद से भाग रहा है, उसका दिल ही नहीं कर रहा बैटिंग करने का, उसका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में बी कैटेगरी के में नाम डाला है, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि आरिस रऊफ है सेंटर बी में, सही है, नसीम शाह है बी में, अनफिट हो गया नसीम शाह लेकिन बॉलर तो अच्छा है, परफॉर्म तो कर रहा था। उसके बाद सी कैटेगरी में आते अमाद वसीम, ये जहां पे अमाद वसीम को सिलेक्ट नहीं करते ना उसकी बात करते, वहां पे उसका नाम देखो सी कैटेगरी में आ गया, ठीक है, जिसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है फिलहाल टीम में, उसका नाम सी कैटेगरी में आया, ठीक है। और अगर सी कैटेगरी में उसको डालना था तो फिर वर्ल्ड कप में क्यों नहीं डाला, अगर उसका नाम सी कैटेगरी में डाला। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक है सी कैटेगरी में। डी कैटेगरी में आप देखें हसन अली, ठीक है, हसन अली साहब टीवी चैनल्स पे बोलते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो लोग कहते हैं कि जी दोस्ती यारी की वजह से मैं, ओ भाई खुदा का नाम ले, तेरी परफॉर्मेंस ही नहीं है ना, तेरी वनडे में परफॉर्मेंस डोमेस्टिक, ना तेरी इंटरनेशनल क्रिकेट में, तेरी परफॉर्मेंस ही नहीं है भाई, तो फिर साफ पता चलता है तू दोस्ती यारी में आया, और किस यारी में आया भाई, तेरी परफॉर्मेंस ही नहीं है, है? टीवी पे बोल रहा है दोस्ती यारी कह रहे हैं जो लोग, भाई बस कर दे यार। उसामा मीर डी कैटेगरी में, शान मसूद कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है, कोई मतलब मैं यही कहता हूँ ना कि डंडों पे आते हैं सारे, सब डंडों पे आते हैं, किसी का बाप क्रिकेटर है वो अपने बंदे को डंडे पे ले आएगा, किसी का बाप कहाँ काम करता है वो अपने बच्चों को डंडे पे लगवा के आ जाएगा, किसी का बाप क्या करता है, ये सब टोटल डंडों पे क्रिकेट चल रही है, ठीक है। धानी की बात करते हैं, उसका नाम डी में वसीम जूनियर, सऊद शकील, सरफराज का नाम डी कैटेगरी में। अब आहिस्ता आहिस्ता सरफराज को मैंने जैसा पहले बोला ना, ये मजबूरी पे इन्होंने रखा हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है अब कराची का प्रेशर जाता है, जिसकी वजह से सरफराज को रखा हुआ है कि भाई एकदम से लोग पूछेंगे आप टीम से तो बाहर करो, हमने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से भी क्यों कर दिया। सलमान आ गया, मोहम्मद हारिस, ठीक है। अब आप ये देखो मोहम्मद हारिस रिजर्व में, ठीक है, उसका नाम डी कैटेगरी में, परफॉर्मेंस बिल्कुल कुछ भी नहीं दे रहा वो भी। जमान खान रिजर्व में, ठीक है। उसके बाद अबरार रिजर्व में, मतलब मोहम्मद हारिस और जमान खान, जमान अभी आया टीम में, को पिछले कोई 2 साल से नहीं खेल रहा, अभी अभी आया है, अभी अभी आया है, जाहिर सी बात है कहां से आया है कैसे है वो तो सबको पता है, अभी अभी आया, उसका नाम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में डल गया। मतलब हारिस और जमान दो रिजर्व में, अबरार रिजर्व में, अबरार का किसी सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नाम नहीं है, क्योंकि अबरार जो है वो कराची से ताल्लुक रखता है, ठीक है, इसकी वजह से उसका नाम रिजर्व में, उसकी जिसकी वजह से उसका नाम सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आया। मेरी बात याद रखना, मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं कि कराची के लड़कों के साथ ये खुलेआम नाइंसाफी करते हैं, खुलेआम इनका बस चले ये कराची के लड़कों को पाकिस्तान टीम से धक्के मार मार के निकाल दें, ये पाकिस्तान टीम के पास भी ना लगने दें, ठीक है ना, इनको डोमिसाइल से इतना प्रॉब्लम है कराची के। नोमान अली वो टेस्ट मैच कुछ मैचेस परफॉर्मेंस नहीं दी भाई, अगर आपने उसको टेस्ट मैच खिलाना है तो फिर आपने उसको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया, उसका नाम तो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में आना चाहिए था, सही है ना। तो बात यह है कि ये बड़ी आसानी से कराची के लड़कों के साथ साइड पे करके उनको मारते, कोई पूछने वाले, क्योंकि हमारे यहां से कोई बोलने वाला नहीं है, हमारे इतने, मैं अभी क्या बोलूं, इतने थर्ड क्लास लोग हैं जो क्रिकेट चला रहे हैं, जब हम कोई उल्टी सीधी बात या हम कुछ करते तो हमारे पीछे पड़ जाते हैं, उल्टा कराची के लोगों के पीछे पड़ते हैं, लेकिन जो कराची के लड़कों के साथ खाते पीते सब यही है, लेकिन जो कराची के लड़कों को नुकसान पहुंचा रहे उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि इन सबके वास्ते हैं उनसे, ठीक है ना, उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, वैसे कराची के लोगों के पीछे जो है वो पड़े रहते हैं। तो बात यह है कि अब आप देख लो जो सेंटर कोंडा जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है वो हैं, जिनको दूर दूर तक वास्ता नहीं है परफॉर्मेंस का वो सब टीम में। तो बात ये है कि भाईजान ये सिलसिले सब यहाँ पे चलते रहेंगे जब तक कोई, मैं ही बात करता हूँ इसके अलावा और कोई कराची की बात ही नहीं करता। तीसरी बात ये कर लेते हैं, नेपाल ने आज मंगोलिया के खिलाफ मैच खेला, 314 रन कर दिए 3 आउट, और माला जो है उन्होंने 137 50 बॉल्स में किए,
एरी एरी एक लड़का है जिसने 52 रन 10 बॉल पे किए, मतलब उसने 9 ओवर 9 बॉल्स पे 50 रन करके युवराज सिंह के भी छक्कों का जो रिकॉर्ड तोड़ दिया। मंगोलिया की टीम पूरी 41 रन पे आउट हो गई। तो भाई ये हालात हैं, ये है आपके सामने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट, ये है हमारे यस मैन चीफ सेलेक्टर, ये है हमारे लेजेंड सेलेक्टर जो अपने आप को बड़ा लेजेंड समझते हैं, दुनिया समझती है, मैं इसको लेजेंड नहीं समझता। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।